अंधविश्वास से परहेज कर वैज्ञानिक नजरिए के साथ आगे बढ़ने की आज आवश्यकता। खबर कराहल से है, जहां राष्ट्रीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण जागरूकता अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश विज्ञान सभा द्वारा कराहल के गणेशा ब्लेज्ड पब्लिक स्कूल में विज्ञान चौपाल का आयोजन किया गया। विज्ञान चौपाल में विद्यालय के माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों ने भागीदारी की, जिसमें विज्ञान संचारक आशीष पारे विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मध्य प्रदेश विज्ञान सभा के केंद्र प्रभारी वीरेंद्र कुमार पारशर द्वारा किया गया। विद्यालय के संचालक गजानंद पेपरोनिया द्वारा स्वागत कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में विज्ञान संचारक आशीष पारे द्वारा विज्ञान जागरूकता गीत गाया, जिसमें बच्चों ने उत्साहित होकर गीत का आनंद लिया। साथ ही श्री पारे द्वारा बच्चों को माचिस के प्रयोग द्वारा विज्ञान की तीनों शाखाओं की तीली जलाकर रसायन भौतिक जीव विज्ञान की जानकारी से बच्चों को रूबरू कराया गया। साथ ही कंपास बॉक्स का प्रयोग कराया गया। वैज्ञानिक गतिविधियों के क्रम में ताश के पत्तों से अंधविश्वास को दूर करने की बात को स्पष्ट किया एवं गुब्बारों को बच्चों से फुलवाया गया। साथ ही उसमें भी विज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारी देकर बच्चों के साथ प्रयोग कराया गया। वही कार्यक्रम में विद्यालय संचालक गजानंद पेपरोनिया, श्याम पेपरोनिया एवं कृष्ण कुमार पेपरोनिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं का सराहनीय सहयोग रहा। देखिए संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसके साथ ऐसा तो नहीं आम के पौधे को अलग देगा, किसी को अलग देगा, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, सबके साथ वो कैसा व्यवहार, सूरज प्रकाश मिलेगा अपने को, सब लोग एक जैसा। मशीन एटीएम से जब आप पैसा निकालते हैं, कलेक्टर डाल दे एटीएम, मिनिस्टर डाल दे, इंजीनियर डाल दे, कोई किसान डाल दे, कोई छोटा बच्चा डाल दे, बड़ा अधिकारी डाल दे, सबके साथ पैसे होंगे तो निकलेंगे, नहीं तो वो मशीन किसी भी धर्म का व्यक्ति डाल दे। तो विज्ञान तकनीक की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो कैसी बात करती है, समानता की बात करती है। किसकी बात करती है, इक्विटी की बात करती है। अनजस्टिस नहीं होना होता है कि ये बच्चा स्मार्ट है तो इसको मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा।